मिनिमम परसेंटेज टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एडमिशन 2021। हां जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो सकती है इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और तुम्हें मिनिमम कितनी परसेंटेज लानी पड़ेगी 2021 में डीयू में एडमिशन लेने के लिए। सो इस वीडियो का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, एक एक चीजें ब्रेक डाउन करके बताऊंगा तुम्हें, और वीडियो के खत्म होने तक तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज में इस साल एडमिशन होने वाली है। सो हे गाइस, दिस इज मी मिन माकर माकर एंड यू आर वॉचिंग योर ऑल न्यू यूट्यूब चैनल दी अनटोल्ड मैक्स। गाइस, अब इस पूरे वीडियो को मैंने तीन हिस्से में बांटा है, तो तीनों हिस्से को तुमने ध्यान से देखना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और वीडियो के खत्म होने तक तीसरे पार्ट तक तुम्हें लिटरली आइडिया हो जाएगा कि इस साल कितने मिनिमम परसेंटेज में तुम्हारी डीयू में एडमिशन होगी। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं कि पहली जो मेरी अकॉर्डिंग टू माई पहला जो पॉइंट आता है, टॉपिक होता है, वो है कि नंबर ऑफ कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने आते हैं। ओके, नंबर ऑफ कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो होती है उसकी हाइप हर साल बहुत ज्यादा रहती है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया की जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कट ऑफ आते हैं। ओके, नंबर ऑफ कट ऑफ यहां पे इतने ज्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अंडर ग्रेजुएट में बहुत एडमिशन लेते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी आती है नंबर ऑफ कट ऑफ हर साल, तो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली स्टार्टिंग में 5 कट ऑफ लिस्ट देखने को मिलते हैं, बट उसके अलावा भी 5 कट ऑफ और आते हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। ओके, डीयू हर साल ये बताता है कि हम मेनली 5 कट ऑफ रिलीज करेंगे, बट डीयू जो आगे की जो कट ऑफ होती है 6, 7, 8, 9, वो हर साल मेनली चली ही जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि हर साल बच्चे कैंसिल करते हैं एडमिशन लेते हैं, कुछ सीट्स खाली होती है, तो जिसके कारण 5th कट ऑफ के बाद भी एडमिशन चलते रहती है। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में तुम कैसे आइडिया लगाओगे कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज में एडमिशन होनी है और मिनिमम परसेंटेज क्या होगी? देखो, लेट्स सपोज कि तुमने 90% लाया है और तुमने फलाना कॉलेज में, मतलब तुम वेट कर रहे हो कट ऑफ का, पहली कट ऑफ आई तुम्हारी नहीं हुई, दूसरी कट ऑफ आई तुम्हारी नहीं हुई, तीसरी कट ऑफ आई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्टार्टिंग की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 98-99% तो कॉमन हो गया है फर्स्ट कट ऑफ में, इतनी तो आती ही है, सबको पता है, बट पिछले साल तो हमें 100% कट ऑफ तक भी देखने को मिला था, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ जो स्कोर्स होते हैं वो बहुत आते हैं यहाँ पे। अब जो दूसरी बात करती है मेन फैक्टर की, अगर लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल तुम्हें, अगर तुम्हारे पास अगर 90% है, तो क्या तुम्हारी इतनी परसेंटेज में एडमिशन होंगी या 90 के आसपास? ओके, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उससे कम है तो तुम अपने हिसाब से ले लेना। देखो, डीयू का सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि लेट्स सपोज फर्स्ट कट ऑफ में तुम्हारा नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, तुम जनरल कैटेगरी के हो या फिर कोई कैटेगरी के हो, मेनली अभी जनरल को एग्जांपल लेते हैं, नहीं हुआ तो तुम्हें निराश नहीं होना है। इस सिचुएशन में तुम ये नहीं सोचोगे कि तुम्हारा अब एडमिशन नहीं होगा। मान लो कि तुम्हारा फोर्थ कट ऑफ में भी नहीं हुआ, फोर्थ कट ऑफ में तुम्हारी सीट ही क्लोज हो गई, फर्स्ट में कमा, सेकंड में कमी, कट ऑफ थोड़ा थोड़ा करके थर्ड में भी कमा और फोर्थ में क्लोज, अब तुम सोचोगे कि मेरे उस फलाना कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगी क्योंकि कट ऑफ क्लोज हो गई है। बट डीयू में ऐसा नहीं होता है। डीयू में समटाइम्स कॉलेजेस अपनी जो कट ऑफ क्लोज हो जाती है उसको खोल देते हैं। अब कैसे खोलते हैं? फिर से वो ओपन हो जाती है वहां पे, मतलब वहां पे कट ऑफ कम भी हो जाती है और वहां पे अप्लाई करने का ऑप्शन भी आ जाता है अगर क्लोज भी हो गया होता है। देखो, मैं बताता हूं, लेट्स सपोज कि थर्ड कट ऑफ में जो परसेंटेज है वो मतलब मांग रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी 94 उस पर्टिकुलर कॉलेज में, अब तुम्हारी है 90%, अब तुम सोच रहे हो कि अब तो मेरा होने वाला नहीं है, तीसरी कट ऑफ आ गई, अभी कट ऑफ सिर्फ 94 में ही अटकी हुई है और फोर्थ कट ऑफ में तो 94 के बाद क्लोज ही हो गई, थर्ड में 94 थी, फोर्थ में क्लोज हो गई, अब तुम सोचोगे ऐसी सिचुएशन मेरा एडमिशन नहीं होना, तो रुको, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक सारी कट ऑफ खत्म नहीं हो जाती। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो कैंसिल करा लेते हैं, तो अगर उस कॉलेज में 94 पे क्लोज हुआ है तो हो सकता है कि आगे के जो 5th, 6th, 7th कट ऑफ है वहां पे वो कॉलेजेस की कट ऑफ खुल जाए, कुछ बच्चे एडमिशन कैंसिल करा ले या फिर वो कॉलेज सीट्स थोड़ी इंक्रीज कर दे। ओके, मेनली 70,000 के आसपास ड्यू सीट्स रखती है, बट सीट्स हमेशा इंक्रीज करती ही है थोड़ी बहुत, तो जैसे ही वो मतलब कुछ बच्चे अगर कैंसिल करेंगे एडमिशन तो तुम्हारी वहां पे सीट्स वैकेंट हो जाएगी और उसके बाद तुम वहां पे एडमिशन ले सकते हो। अब मोस्ट प्रोबेबली केसेस में तो ऐसा हो जाता है, अगर तुम लकी इनफ होगे तो तुम्हें मिल जाएगा, बट तुम्हें अपनी होप नहीं खोनी है, इसलिए नहीं खोनी है क्योंकि डीयू में कट ऑफ नंबर ऑफ कट ऑफ बहुत आते हैं, और मैंने पर्सनली कुछ लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने सारी होप खो दी थी 6th, 7th कट ऑफ तक वेट करने के बाद, बट उनकी 8th और 9th कट ऑफ में जाके हो गई एडमिशन फाइनली डीयू में, और वो भी उनके मनचाहा कॉलेज में। तो हां, तुम्हारी अगर थोड़ी कम परसेंटेज भी है, 90 से अगर कम है तो भी तुम्हारी यहां पे एडमिशन की चांसेस होती है क्योंकि यहां पे सीट्स खुल जाती है sometimes। Okay. So, अब आती है हमारी दूसरी टॉपिक, नॉर्थ वर्सेस साउथ कैंपस, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए नॉर्थ या साउथ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बस एक रफ आइडिया दे देता हूं, डीयू जो है मेनली दो कैंपस में बटी है, नॉर्थ और साउथ, और इसके अलावा ऑफ भी आती है बट हम उसकी बात नहीं करेंगे, नॉर्थ और साउथ मेनली कंसीडर की जाती है। नॉर्थ कैंपस के में इंडिया की टॉप कॉलेजेस आती है, टॉप 10 या टॉप 12 कॉलेजेस, जैसे तुम्हारे एसआरसी
एसएससी हिंदू, स्टीफेंस, मिरांडा हाउस, रामदास, किरोड़ीमल जैसे वगैरह कॉलेज, और बाकी के रेस्ट ऑफ द कॉलेज आते हैं तुम्हारे साउथ कैंपस में। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि साउथ कैंपस में अगर बहुत तुम सोच रहे हो ना, ऐसा परसेप्शन बना लियो अपना कि साउथ में खराब कॉलेजेस आती है वगैरह वगैरह, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। नॉर्थ से पढ़ो या साउथ से पढ़ो, एट द एंड तुम्हें जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी 3 साल बाद, वहां पे कहीं पे भी तुम्हारी कॉलेज की नाम नहीं लिखी होगी, और दूसरी बात कि तुम्हें जो सर्टिफिकेट मिलेगी उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही लिखी होगी। बट नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी हाई जाती है, लिटरली में मतलब काफी ज्यादा हाई जाती है। बट साउथ कैंपस की ही बात कर रहा हूं, जो तुम्हारी पिछले साल जो कॉलेज थी LSR, उसी ने साउथ कैंपस की कॉलेज ने 100% कट ऑफ रिलीज किया था। तो साउथ का भी अलग टोरा है, अलग वेटेज है। समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं अगर बात करूँ कि इसमें तुम्हें मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए नॉर्थ में साउथ में, तो मैं बेसिक ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बीकॉम, बीएससी या बीए वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो मेनली इसी के अंदर आते हैं बच्चे, तो अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूँ, तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें मिनिमम, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए तो कम से कम तुम्हें 92+ रखना पड़ेगा अगर तुम नॉर्थ में लेना चाहते हो और तुम जनरल कैटेगरी के हो। और अगर तुम 90+ तुम्हारी नहीं है तो चांसेस कम हो जाती है तुम्हारी नॉर्थ कैंपस में होने की। ओके, अगर मैं बात करूं EWS की, तो EWS की और जनरल के कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं होता है। तुम DU के प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक कर सकते हो, वहां से मिला सकते हो, तुम एस्टिमेट मिल जाएगी। थोड़ी बहुत माइनर तो चेंजेस होती है, बट अगर समटाइम्स कुछ कुछ कॉलेजेस में अच्छी खासी चेंजेस हो जाती है, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में पॉइंट कुछ का फर्क होता है बट ज्यादा नहीं कमता है। तो तुम्हें 92+ रखना पड़ेगा बीकॉम, बीएससी, बीए के लिए। जो बाकी जैसे बाकी जो रिजर्वेशन वाले है, उसके बाद जैसे तुम्हारी ओबीसी आती है, तो उनमें बेसिकली नॉर्थ कैंपस की अगर बात करूं तो 1.5 से 2% का गिरावट देखने को मिलेगा। अगर तुम 1.5 से 2% मतलब 90 के आसपास स्कोर करते हो तो तुम ठीक रहोगे, मतलब ठीक ठाक चांसेस है। बट फिर भी कोशिश करना कि जो जनरल वाले हैं वो 92+ रखो, और जो ओबीसी वाले हैं या फिर अदर रिजर्वेशन वाले हैं वो 90+ रखे कम से कम। ओके, और जो अदर बैकग्राउंड वाले बच्चे आते हैं जैसे तुम्हारे ST SC, अदर रिजर्वेशन वाले, PWD कैटेगरी के, इनके नॉर्थ कैंपस में हमें 5% तक की डिडक्शन देखने को मिल सकती है। तो अगर हम जनरल की बात करें, जनरल और ओबीसी में, तो हमें देखने को डिडक्शन मिल सकता है 2 से 2.5% की, और जो बाकी अदर जो कैटेगरी होती है उनमें 5 या उनसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं। ओके, तो नॉर्थ कैंपस में सेफ रहने के लिए 92+, मैं तो जनरल वाले को बोल रहा हूं 95 तक तुम्हारी अगर आती है ना तो तुम अच्छे तरीके से सेफ साइड रह सकते हो। फॉर मोर डिटेल तुम देख सकते हो प्रीवियस ईयर कट ऑफ। और अगर मैं बात करूं साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस में तुम्हारे जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी तुम्हें 90 तक स्कोर करो ऑन एन एवरेज साउथ कैंपस में मिनिमम, क्योंकि 90 के नीचे बहुत कम चांसेस हो जाती है जनरल कैटेगरी के लिए, बट 90 में साउथ कैंपस में तुम्हें चांसेस मिल सकता है बीकॉम, बीएससी, बीए वालों के लिए। और जो तुम्हारी ये कोर्सेस वाले आते हैं जैसे कि तुम्हारे मतलब लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हिंदी के हो गए, संस्कृत के हो गए, या फिर तुम्हारे किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज के, वो भी अगर 90 तक स्कोर रखते हैं अपनी तो वेल एंड गुड, वो भी अच्छे सेफ साइड में रहेंगे। और जो तुम्हारी ओबीसी रहती है, ओबीसी में तुम्हारे साउथ कैंपस में अगर बात करूं तो साउथ कैंपस में ओबीसी में मिनिमम 5% तक तुम्हारी चली जाती है, मतलब अगर तुम 90 से 85 के बीच में हो तो तुम्हारी एडमिशन की चांसेस हो जाती है बीकॉम, बीएससी, बीए में। साउथ कैंपस की बात कर रहा हूं, 5% की डिडक्शन देखने को मिल सकती है, वही नॉर्थ कैंपस में सिर्फ 2.5% की। और जो तुम्हारी अदर देन दैट रहती है, मतलब ST SC PWD, उनमें 10% मतलब 10% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, समटाइम्स EWS के लिए गुड लक हो जाता है, कुछ कॉलेजेस में अच्छी खासी गिर जाती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल के आसपास ही रहती है। तो मैंने तुम्हें एस्टिमेटेड कट ऑफ बता दिया, चाहे तो तुम इसको रिपीट दोबारा देख सकते हो या फिर पिछले साल की कट ऑफ से मैच कर सकते हो। गाइस, अब मैं फाइनली ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि इस साल तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इससे पहले मैंने तुम्हें ब्रेक डाउन कर दिया कि इस साल मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है तुम्हें DU में एडमिशन लेने के लिए नॉर्थ या साउथ कैंपस में। अब तुम्हारे सामने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ तुम्हें ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, मतलब 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 के, मतलब पिछले 3-4 सालों में हमें यह देखने को मिलेगा कि DU की कट ऑफ हर साल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज की है। ये इंक्रीज इसीलिए की है क्योंकि पिछले कुछ सालों से CBSE की जो स्कोर है ओवरऑल वो काफी अच्छी आ रही है, मतलब नंबर ऑफ परसेंटेज ज्यादा बच्चे पास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 90% आ रही है। अब CBSE की जो स्कोर है उसी पे डिपेंड करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट, क्योंकि DU टोटली रिलाई है CBSE के ऊपर। CBSE की जैसे जैसे स्कोर इंक्रीज करते चले जाएंगे DU की कट ऑफ भी इंक्रीज करते चली जाएगी। तो इस लॉजिक को समझो, ध्यान से सुनो। देखो, जो तुम्हारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, जैसे तुम्हारी 2018 को ले लो, 19 को ले लो, 20 को ले लो, 3 साल को उठाओ, 3 साल में हमें यह देखने को मिलता है कि 2018 में तुम्हारी 90% एवरेज जाती थी, 98% एवरेज जाती थी फर्स्ट कट ऑफ में स्टार्टिंग में, उसके बाद 2019 में तुम्हारी 99% गई, एंड 2020
2020 में मतलब पिछले साल 100% तक गई है, मतलब कट ऑफ में इंक्रीज आई है। हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे जितने जो 90% ला रहे हैं वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। और अगर मैं पिछले साल की एग्जैक्ट अगर बात उठाऊं 2020 की, कोविड का सिचुएशन था, काफी ज्यादा रिलैक्सेशन था जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास किए थे सीबीएसई में, मैक्सिमम बच्चे पास कर गए थे, पहली बार सीबीएसई की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बच्चे एक साथ पास किए थे, उसके वजह से नंबर ऑफ 90% लाने वाले जो बच्चे हैं उनका भी रेशियो काफी इंक्रीज कर गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीधा मतलब एलएसआर जैसे कॉलेज ने तो सीधा 100% से खोला अपना कट ऑफ, मतलब लिटरली ये सिचुएशन था। तो इस साल का जो सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, कोविड है, रिलैक्सेशन हो सकता है, एग्जाम वगैरह कैंसिल हो गई है, तो अगर इस साल सीबीएसई स्कोर देती है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी स्कोर इस बार 12th की बहुत अच्छी होने वाली है, तो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड सेकंड बात कि अगर तुम्हारी स्कोर्स अच्छी होंगी, काफी ज्यादा बच्चों को नंबर आएंगी, तो कट ऑफ भी इंक्रीज कर सकती है। अगर कट ऑफ अकॉर्डिंग टू पिछले साल मतलब 2020 से अगर कट ऑफ कम ना हो तो एटलीस्ट उतना ही रह सकता है। मतलब अगर पिछले साल 90 पे किसी कॉलेज की क्लोज हो गई थी तो मतलब बहुत कम चांसेस है कि इस साल 89 तक पे वो जाए, मतलब वो 90 या फिर 90 से थोड़ा पॉइंट कुछ ज्यादा पे क्लोज हो जाए। अब इसको सुन के डीमोटिवेट मत हो जाना कि भैया आप तो मुझे डीमोटिवेट करो और कमेंट में मत गाली देना। देखो मैं तुम्हें बस एक रियलिटी चेक दे रहा हूं और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो यहां पे कि पिछले साल जो परसेंटेज इंक्रीज की थी तो बच्चे लोग को भी तो अच्छा नंबर आया था, तो ये भी तो पॉजिटिव साइड है। अगर तुम्हारी कॉलेज की कट ऑफ इंक्रीज हो रही है तो तुम्हें 12th में परसेंटेज भी तो ज्यादा आ रहे हैं, तो चांसेस तो वैसे भी तुम्हारे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसको देखो। और हां, मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, सब कुछ बता दिया, अंदाजा लगा दिया। अब इसके ऊपर भी मैं डिटेल टॉपिक लाऊंगा पर्टिकुलर तीनों के ऊपर, तो एक एक चीज फिर ब्रेक डाउन करूंगा पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो पे, तो चैनल पे बने रहना। एंड वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, क्योंकि इस तरीके से ब्रो टू ब्रो मेरे से जितना हो सकता था मैंने तुम्हें डीपली थोरोली एक्सप्लेन करके बता दिया, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, मतलब ऐसी भाषा में जहां पे मैंने एक भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज करी है जो तुम्हारे सिर से ऊपर जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल से वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां जाकर डीएम करना। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटीज एडमिशन 2021।